स्वागत है आपका 47 नेशन में और मैं हूं अतीक आपके साथ। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एलेंट्रा के ऊपर, जो जस्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है। आप देख सकते हो गाड़ी बहुत ही हैपनिंग बनाई हुई है भाई ने, आकाश भाई की हमारी गाड़ी है। आकाश भाई से मिलवाता हूँ आपको, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो जिससे आपको मैं नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। तो गाइस चलते हैं और आकाश भाई के पास और उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आकाश भाई ने इसमें क्या क्या काम कराया हुआ है। तो भाई आकाश भाई आ चुके हैं हमारे साथ। आकाश भाई कैसे हैं आप? इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो कर ले, इनका हैंडल मैं डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, भाई को फॉलो कर ले इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको उनकी पुरानी गाड़ी की कलेक्शन भी दिख जाएगी। तो एनीवेज गाइस इस गाड़ी के ऊपर आते हैं, भाई ने इसके अंदर क्या क्या काम कराया हुआ है। तो भाई ये इसका मॉडल कौन सा है? ये जो गाड़ी है डीजल है और 2014 की गाड़ी है, और गाड़ी के अंदर जो है भाई एक एक करके मैं आपको सारा काम दिखाता हूँ कि भाई ने इसके अंदर क्या क्या काम कराया हुआ है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी में क्या क्या काम हुआ। इस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और फ्रंट के अंदर आप सबसे पहले देख सकते हो भाई ने इसके अंदर स्टेन सिल्वर रैप कराया हुआ है प्रॉपर तरीके से। और ये गाड़ी भी सिल्वर ही है बट इसके ऊपर स्टेन सिल्वर, अगर आप देखेंगे इसका शेड तो आपको साइड से समझ आ जाएगा कि थोड़ा मैट फिनिश के अंदर है। उसके साथ साथ भाई ने अगर इसके अंदर आप देखोगे अंदर से जो लाइट्स है पूरी की पूरी सिल्वर आती है, भाई ने इसको पूरा ओपन करवा के अंदर से पूरा ब्लैक कराया हुआ, जितना भी पोर्शन इसका ब्लैक है आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर जितनी भी लाइट्स जली हुई है सब LEDs है, HID कोई भी नहीं है। और इसके अंदर नीचे फॉग लैंप्स के अंदर भी नॉर्मल LED ली हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन फाइबर प्रॉपर तरीके से हुआ हुआ है इसके ऊपर और बहुत ही डिसेंट फिनिश दे रहा है। और इसको इन्होंने डीक्रोम किया हुआ है, ये क्रोम आता है। तो गाइस आप देख सकते हो साइड इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर टायर थोड़े से इसके बाहर हैं। साइड प्रोफाइल में आपको एक बार ओवरऑल दूर से दिखा देता हूँ, साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आती है। तो गाइज इसके ऊपर भाई ने जो रैप कराई हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एवर डेनिसन की है और स्टेन सिल्वर जो है इसका शेड है और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारी लग रही है यार गाड़ी दूर से। अगर आप इसको देखेंगे प्रैक्टिकली कभी रोड के ऊपर चलते हुए तो आप समझ जाएंगे गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो साइड मिरर्स जो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से लाइट वाले हैं और इसके अंदर इन्होंने 5D अगेन वही कार्बन फाइबर 5D इसके ऊपर कराया हुआ है। अगेन उसके साथ हैंडल के ऊपर भी सेम आपको चीज़ देखने के लिए मिलेगी, कार्बन फाइबर 5D, और पीछे भी वही चीज़ है। और अलॉय जो है गाइस जिसके अंदर कॉन्केव डिज़ाइन लगा हुआ है, डीप डिश अलॉय जिसे कहते हैं हम। तो गाइस अगर बात करेंगे इसके अलॉयज़ की तो इसके अंदर 205/55/16 अलॉय लगा हुआ है जो कि है R16 और R8J का अलॉय है ये। अगर गाड़ी से आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर मैं आपकी साइड प्रोफाइल पीछे से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो गाड़ी से कितना भार है अलॉय और साइड में बहुत ही डिसेंट लग रहा है गाड़ी के, मैं चलते हुए शॉर्ट्स भी डाल दूंगा। तो गाइस बात करें इसकी बैक प्रोफाइल की तो बैक प्रोफाइल की लुक आप देख सकते हो कितनी डेविल लुक आ रही है पीछे से इस गाड़ी की और बहुत ही क्लास लग रही है। इसका जो रैप है भाई इसमें सच्ची मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इसका फैन हो गया हूँ। तो उसके साथ साथ इन्होंने इसके ऊपर लिप स्पॉइलर लगाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसकी नीचे इसके अंदर सेटअप जो है प्रॉपर एग्जॉस्ट का वो क्वाड्रो सेटअप है और इसके अंदर जो है एक्रापोविक के टिप्स लगी हुई है जो कि 4 टिप्स है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसका मैं आपको एक बार आउटपुट भी सुनाऊंगा कि आवाज़ इसकी किस तरीके से आती है। तो अगेन आपको पीछे इसका जो Hyundai का लोगो है पूरा डीक्रोम कराया हुआ है इसको, और उसके साथ साथ इन्होंने नंबर प्लेट के साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी हुई, नंबर प्लेट जो है बेसिक नंबर प्लेट लग रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि आप इसका रूफ देख सकते हैं ऊपर का, तो रूफ है इसके ऊपर ये भी सेम अगेन एवर डेनिसन का जो रैप है इसके ऊपर कराया हुआ है, ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है। चलते हैं फाइनली गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर देखते हैं आकाश भाई ने क्या क्या काम कराया हुआ और अंदर की तरफ भाई ने कितना खतरनाक सेटअप लगाया हुआ है।
भाई ने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है कार्बन फाइबर 5D अगेन इसके ऊपर कराया हुआ है। उसके अलावा ऑल्दो भाई ने अंदर ज्यादा छेड़खानी नहीं करी हुई है। तो गाइस बात करें इसके साउंड सेटअप की, तो साउंड सेटअप के अंदर भाई ने कीकर हाई सीरीज के कंपोनेंट आगे डाले हुए हैं और पीछे कोएक्सएल है दोनों डोर्स के अंदर। और अंडर सीट इसके अंदर मैं आपको उसका वो दिखा देता हूं, एक बार वूफर डाला हुआ है, ट्रे वूफर जो आता है। इसके अंदर जो ट्विटर्स है वो भी कीकर के डाले हुए हैं भाई ने, वो भी हाई सीरीज के ही है। और उसके अलावा स्क्रीन मैं आपको बता ही चुका हूं कि जावा की स्क्रीन इसके अंदर लगी हुई है। ऑल्दो इसके अंदर और ज्यादा काम है नहीं, कार्बन फाइबर आपको दिखा दिया है। एक चीज बड़ी पसंद आई जो भाई ने इसके अंदर कराई हुई है गाइस, ये चीज ये आप देख सकते हो, ये कुछ ना एक चाबी टाइप की है, भाई ने ये खरीदा हुआ है अलग से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर आप टक कर सकते हो आपकी जो सीट बेल्ट है, और साथ में इससे आवाज भी नहीं आती। तो इसको आप लगा के रखेंगे इसमें तो गाड़ी का सेंसर आवाज नहीं करेगा, और गाड़ी अंदर से बहुत ही साफ सुथरी रखी हुई है, तो गाड़ी बहुत ही क्लास लग रही है यार अंदर से। चलते हैं इसके साउंड सेटअप की तरफ। तो जैसे कि गाइज आपने साउंड सेटअप देख ही लिया होगा, बहुत ही प्यारा साउंड सेटअप है, मेरे हिसाब से वोकल बहुत ही अच्छा है गाड़ी के अंदर। आकाश भाई से पूछते हैं कि आकाश भाई ने गाड़ी के अंदर टोटल मिला के कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और आकाश भाई वेलकम बैक, कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे आके? थैंक यू सो मच आकाश भाई, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो आकाश भाई ओवरऑल टोटल मिला के अप्रोक्सीमेट आइडिया आपने गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा किया हुआ है? मैंने इसमें अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच। अच्छा 3 लाख रुपए के अंदर। अगर सिर्फ इसकी रैप की बात करी जाए तो रैप कितने कितने का कॉस्ट आएगा? रैप मेरा 35,000 का रैप पड़ा था मुझे। ठीक है, ये टेंशन का रैप है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ये नॉर्मल ये जो चीजें हैं ये मैंने कार्बन फाइबर करा रखी है, ये बॉडी रैप के साथ ही इंक्लूड है। ओके, तो गाइस जैसे कि भाई ने बता दिया आपको, इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर स्पेंड किया हुआ, और आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि यार एक तो पहली चीज़ है एलेंट्रा है, ठीक है, और ऊपर से भाई ने इतने अच्छी डिसेंट इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कराई हुई है। और इसके अंदर जो गाइस आप टायर देख रहे हो, तो मैं आपको टायर ब्रांडिंग भी दिखा देता हूँ, ये मिचलिन का टायर है गाड़ी के अंदर जो डला हुआ है। तो गाइस जैसे कि आप ब्रांडिंग देख सकते हो, एक एक कस्टम की, एक एक कस्टम ने ही पूरी गाड़ी जो है इसका रैप वगैरह का काम सारा एक एक कस्टम ने किया है। और ये हेडलैम्प जो मैं आपको बता रहा था अंदर से ब्लैक है, ये सारा काम एक एक कस्टम ने किया है। गाड़ी का व्यू देखो कि किस तरीके का व्यू आ रहा है, अगर मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो व्यू अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे मैट फिनिश आ गई, और अगर मैं इस तरफ जाऊँगा जहाँ लाइट पड़ रही है तो अलग शेड आ रहा है। तो यही फायदा है इस रैप का, और ये जो है बहुत ही क्लास लग रही है गाड़ी के साथ। और गाड़ी के अंदर जितना भी था गाइस मैं आपको सारी चीज़ें फीचर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई लव यू गाइस, बाय बाय।